देवघर पुलिस इन दिनों अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने हथियार के दम पर रंगदारी वसूलने वाले राज्य के कुख्यात अमन साहू गिरोह के 3 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 3 देसी पिस्टल, 5 मैगजीन और 21 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट के मुताबिक ये आरोपी कई गोलीकांड में वांछित हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। आपको विदित होगा कि मार्च के महीने में हरदेव कंस्ट्रक्शन का एक ऑफिस है जो रायन कंपनी मोड़ के पास में है, वहाँ पे एक गोलीबारी की घटना हुई थी दहशत फैलाने के उद्देश्य से। उसमें एक पर्चा अमन साहू गैंग के नाम पे फेंका गया था उस ऑफिस में। उसके बाद अभी 11 तारीख को झोंसागढ़ी में भी एक जगह फायरिंग हुई थी, जिसमें 6 खोखे हम लोगों को मिले थे, जो केसेस हैं वो। इन दोनों घटनाओं का पुलिस अनुसंधान कर रही थी और बहुत ही बेहतरीन कार्य टाउन थाना पुलिस और SDPO सदर किया।